गाइस, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE SummerSlam के रिजल्ट्स के बारे में और उसके हाइलाइट्स के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना और ये वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला मैच हुआ था MVP और अपोलो क्रूज के बीच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जिसमें कि अपोलो क्रूज ने MVP को हरा कर रिटेन कर लिया अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। अब बात करते हैं स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के बारे में। ये मैच हुआ था बेली और आस्का के बीच फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप, जिसमें कि सासा बैंक जो बेली का बेस्ट फ्रेंड है वो बेली के साथ थी। सो थोड़ा बहुत सासा बैंक का हेल्प लेने के बाद बेली ने डिफीट कर दिया आस्का को और रिटेन कर लिया अपना स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। सो अब बात करते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में। सो ये मैच हुआ था स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड अंड्रादे और एंजेल गार्जा के बीच। सो ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो इसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मोंटेस फोर्ड ने पिन कर दिया एंजेल गार्जा को और जीत लिया रॉ टैग टीम चैंपियनशिप अपने टीम स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए। इसी के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रिटेन कर लिया अपना रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। अगला मैच हुआ था सोनिया डेविल और मैंडी रोज के बीच, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थे, और ये मैच स्टिपुलेटेड था हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए, लेकिन बाद में ये मैच हुआ लूजर लीव्स WWE मैच। सो इस मैच में सोनिया डेविल ने मैंडी रोज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना के रखा, लेकिन बाद में मैंडी रोज ने डिफीट कर दिया सोनिया डेविल को और जीत गया ये मैच, और सोनिया डेविल को अब WWE छोड़ के जाना पड़ेगा। व्हाट अ सैड न्यूज़ यार। सो हमारा अगला मैच था एक स्ट्रीट मैच, जो कि था डोमिनिक मिस्टीरियो और मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस के बीच। ये मैच काफ़ी ज़्यादा फिजिकल था। मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहे। हालांकि इस मैच में डोमिनिक मिस्त्री ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइट दिया उनके डेब्यू मैच पे, वो कमबैक करने की कोशिश किए लेकिन वो सेथ रॉलिंस के सामने टिक नहीं पाए और सेथ रॉलिंस ने लास्ट में उनको कार्ड स्टॉम देके ये मैच अपने नाम कर लिया। अब बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में। ये मैच हुआ था द बॉस सासा बैंक्स और द एम्प्रेस आस्का के बीच। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये आज के पेपर व्यू में आस्का का दूसरा मैच था और इस मैच में आस्का ने द बॉस सासा बैंक्स को डिफीट करके जीत लिया रॉ वुमेन चैंपियनशिप। चलिए अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप के बारे में। ये मैच हुआ था द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर और द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बीच। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस मैच में द रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना के रखे, लेकिन लास्ट में द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर ने द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को डिफीट कर दिया और रिटेन कर लिया अपना WWE चैंपियनशिप। चलिए अब बात करते हैं आज के पेपर व्यू का लास्ट मैच, द फिन ब्रे वाइट वर्सेज द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये मैच के बारे में WWE काफ़ी दिनों से हाइप बना रहे थे और ये मैच था भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये मैच था WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, और इस मैच में द फिन ब्रे वाइट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहे द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, और लास्ट में द फिन ब्रे वाइट ने द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा कर जीत लिया WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और इसी के साथ वो बन द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन। आज के SummerSlam का सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि द बिग डॉग रोमन रेंस वापस आ चुके हैं और उन्होंने आके द फिन ब्रे वाइट एंड द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक कर दिया है। लगता है कि द बिग डॉग रोमन रेंस WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है और आगे की किसी पेपर व्यू में हमें द फिन ब्रे वाइट वर्सेज द बिग डॉग रोमन रेंस का मैच जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।